बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में रहते थे एक लड़का और लड़की। लड़के का नाम था राहुल और लड़की का नाम था प्रिया। राहुल और प्रिया बचपन के दोस्त थे। वे एक ही स्कूल में जाते थे और एक साथ खेलते थे। राहुल और प्रिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे एक दूसरे से हर चीज शेयर करते थे। एक दिन राहुल और प्रिया अपने स्कूल में आयोजित एक पार्टी में जा रहे थे। राहुल ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। प्रिया ने राहुल को मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राहुल, तुम भी बहुत ही अच्छे लग रहे हो। राहुल और प्रिया ने उस पार्टी में बहुत मस्ती की। उन्होंने साथ साथ डांस किया और बातें की। उस पार्टी के बाद राहुल और प्रिया को एक दूसरे से प्यार हो गया। राहुल और प्रिया ने अपने प्यार को एक दूसरे से छुपाया नहीं। उन्होंने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बता दिया। राहुल और प्रिया के माता पिता भी उनके प्यार से खुश थे। राहुल और प्रिया ने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की। कॉलेज के बाद उन्होंने नौकरी की और अपने जीवन को एक साथ बनाने लगे। कुछ सालों बाद राहुल ने प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया ने खुशी खुशी राहुल के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। राहुल और प्रिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। उनकी शादी में उनके सभी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए। राहुल और प्रिया एक बहुत ही खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। राहुल और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगर हम अपने प्यार को सच्चे दिल से करें तो हमारा प्यार हमेशा के लिए रहता है। सच्चा प्यार हमें खुश रहने में मदद करता है। सच्चा प्यार हमें एक दूसरे का साथ देने की ताकत देता है। सच्चा प्यार हमें हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने की हिम्मत देता है। इसलिए हमें अपने प्यार को सच्चे दिल से करना चाहिए और हमें अपने प्यार को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहिए।